students, good morning. How are you all? Fine. Okay, good. So students, how was your Diwali vacation? You enjoyed Diwali vacation? Yes, good. Now your exams are over and we are moving further with our second semester, and also our new year has started. So students, your homework for new year is आप लोगों को न्यू ईयर के लिए एक रेजोल्यूशन लिखना है कि आप अपने इस न्यू ईयर में आप अपना क्या बेहतर बनाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने में क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, आपकी बुक लास्ट ईयर मतलब के लास्ट सेमेस्टर में आपकी बुक इनकम्प्लीट रही है, लास्ट ईयर आपकी बुक इनकम्प्लीट रही है, तो अभी हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, तो आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऐसा बना सकते हो कि इस बार आप पढ़ाई अच्छे से करोगे और आपकी सारी बुक्स कंप्लीट रहेगी। सो मेरे को हर बच्चे का एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन चाहिए। इस बार जब आप बुक चेक करवा रहे होंगे तो सबसे पहले आपके सेकेंड सेमेस्टर के पहले आपके फर्स्ट पेज पे जीके की CW में या फिर वर्कबुक में कहीं भी CW में ही लिखना ज्यादातर, आपको अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऐसा हेडिंग देना है और नीचे आप क्या क्या रेजोल्यूशन ले रहे हो वो लिखना है। और ऐसे ही नहीं लिख दिया तो बात खत्म, नो, आपको उसको फॉलो अप भी करना है, यानी कि आप जो लिख रहे हो उसके बारे में आपको मेहनत भी करनी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपने दिवाली एंजॉय की, नाउ वी आर मूविंग फर्दर विद आवर स्टडीज अगेन, अब हम वापस हमारी स्टडीज करेंगे। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 to 18 हमने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट टर्म में कंप्लीट कर दिया है। अब तुम्हारा चैप्टर नंबर 19 है Dresses we wear. Okay. So what you have to do? आपकी जो वर्कबुक है जीके की उसके ऊपर आपको पहले तो लिख देना है सेकेंड टर्म। ओके, आपका चैप्टर नंबर 19 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, उधर ऊपर लिख देना है सेकेंड टर्म, ताकि आपको पता चले कि आपका सेकेंड टर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ओके, सो चिल्ड्रेन, डू यू नो कि पहले जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, पहले कंट्री में ब्रिटिशर्स जब रूल करते थे, तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने हमें उनके रूल से बचाया। तो जब उन्होंने हमें उनके रूल से बचाया तब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुआ, राइट। तो उस टाइम सारे लोग अलग अलग स्टेट में जाके रहने लगे, जो इंडिया में हैं वो इंडिया के अलग अलग स्टेट में रहते हैं। ओके, सो इसीलिए इंडिया के बहुत अलग अलग स्टेट्स हैं, तो उस स्टेट के हर स्टेट की अपनी पहचान होती है, तो उस स्टेट के लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने ड्रेसेस पहनते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको उनको मैच करना है। ये लेडी है तो आपको उसको बॉय के साथ मैच करना है कि कौन से स्टेट में लेडीज क्या पहनती हैं एंड मेंस क्या पहनते हैं। ओके, सो दैट यू हैव टू डू हियर। जैसे हमारे गुजरात में लेडीज चनिया चोली पहनते हैं, राइट, एंड मेंस होते हैं वो धोती एंड ट्राउजर पहनते हैं। सो इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैच करना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर है हरियाणा, तो हरियाणा में आप देख सकते हो लेडी ने क्या पहना है, राइट, जिसने स्कर्ट जैसा पहना है और ऊपर कुर्ता पहना है एंड चुन्नी पहनी है, राइट। तो हरियाणा के मैन क्या पहनते हैं, धोती एंड कुर्ता, यहाँ पे डी में है देखो, तो वन नंबर को आपको डी के साथ मैच करना है। फिर है तुम्हारा सेकेंड नंबर है वेस्ट बंगाल, तो हमने आगे स्वीट्स के बारे में पढ़ा था और डिशेस के बारे में पढ़ा था, कौन सी स्टेट में कौन सी डिश फेमस होती है, वैसे ही हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि कौन से स्टेट में कौन से कपड़े फेमस है, कौन से लोग क्या पहनते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल की लेडी ने देखो साड़ी पहनी हुई है, ठीक है, और मैन क्या पहनते हैं वहां पे, धोती कुर्ता और ऊपर शॉल, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में देखो लेडी ने क्या पहना है, सलवार कुर्ता और ऊपर दुपट्टा, ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर को आप किसके साथ मैच करोगे, इधर ए में देखो धोती कुर्ता और ऊपर क्या पहनते हैं, मैन टोपी पहनते हैं, राइट। फिर है राजस्थान, तो राजस्थान में क्या पहना है उन्होंने, देखो साड़ी जैसा पहना है ना, नीचे चनिया फिर ब्लाउज और ऊपर दुपट्टा रहता है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके साथ मैच करना है, क्योंकि राजस्थान के मैन क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता और ऊपर ठीक है पगड़ी जैसा पहनते हैं वो लोग। ओके, फिर पंजाब, तो पंजाब के लोग देखो क्या पहनते हैं, लेडीज क्या पहनती हैं, सलवार कुर्ता पहनती है राइट, और मेन में आप धोती एंड कुर्ता और ऊपर पगड़ी रहती है उनकी, ठीक है, सिख लोग जो होते हैं ना, तो इट इज लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो जो सिल्क साड़ी हम पहनते हैं तो वो किस में से प्रोड्यूस होती है, सिल्क वॉर्म में से बनती है। तो हर स्टेट की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, हर कंट्री की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, जैसे इंडिया की स्पेशलिटी है क्या पहनना है, वैसे ही आप अगर नेक्स्ट कोई और देश में जाते हो, कोई और कंट्री में जाते हो, तो वहाँ के लोग कोई और कुछ और पहनते हैं, वो हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते हैं राइट। आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको लगेगा अलग पहना है हमसे राइट। तो हर हर कंट्री और हर स्टेट की अपनी एक स्पेशलिटी होती है डिशेज की, कपड़ों की राइट। तो वैसे ही आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है ड्रेसेस वी वेयर, यानी कि हमारे इंडिया में कौन से स्टेट में कौन से ड्रेसेस पहने जाते हैं। सो ये आपको होमवर्क में करना है, इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। एंड आपका होमवर्क आप नहीं भूलना, आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखना है। ओके, आपको CW में जहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म खत्म हुआ है ना, उसके बाद पेज फोल्ड करके आप सेकेंड टर्म लिखते हो राइट, वो लिखने के बाद आपको ऊपर हेडिंग देनी है न्यू ईयर रिजोल्यूशन। ऐसे हेडिंग देके फिर यहाँ पे आपको नंबर्स देके आपके न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिखने हैं। ऐसा जरूरी नहीं है आप 4 to 5 रिजोल्यूशन लो, कोई भी एक रिजोल्यूशन भी आप लेते हो, पर उसको अच्छे से फॉलो करना है। ओके, और इस बार अगर आप, मैंने आपको एक्सप्लेन किया न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या होता है राइट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ता है, ओके, कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है, लास्ट ईयर उसकी बुक्स इनकम्प्लीट रही है, तो वो क्या रिजोल्यूशन ले सकता है कि इस बार मेरी सारी बुक्स कंप्लीट रहेंगी एंड मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। सो इट इज द मीनिंग कि आपको अपने में कुछ इम्प्रूव करना है, आप कौन सी चीज में पीछे हो वो आपको इम्प्रूव करनी है, ठीक है, तो आपको वो न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिखना है और उसको फॉलो करना है। ओके चिल्ड्रेन, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट बाय बाय, थैंक यू।